गाइस, ओके गाइस, वेलकम बैक टू अपन गाइस यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे पास ना ये बक्सा आया है। बक्से में क्या है मैं आपको सब बताऊंगा आगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बक्सा है। और यहाँ पे आप ब्रांडिंग दिख रही होगी कि क्या है इसमें। जो लोग ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है उसको पता होगा कि ये किसका बक्सा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है माय प्रोटीन का इम्पैक्ट वे प्रोटीन। अभी इसको पहले ना खोल देते हैं, फिर आपसे मैं आगे बात करूँगा इसके बारे में। एंड दिस इज़ मैंगो अल्फांजो फ्लेवर। उसका पुल इन डिटेल, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट एंड ऑल सब मिलेगा इस वीडियो में। तो जल्दी से इसको फटाफट से पहले अनबॉक्स कर लेते हैं भाई साहब। लेकिन अपना चक्कू एज यूजुअल भाग जाता है, तो इसको ना कॉल करते हैं। आ जा, जल्दी से आ जा भाई। ओके, तो भाई चक्कू जादू से आ गया, जस्ट अनबॉक्स दिस बॉक्स। तो अभी इस बॉक्स को अनबॉक्स करते थे, तो गाइस इसको अनबॉक्स कर लेते हैं पहला। तब तक मैं आपको अनबॉक्स करते टाइम पे इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। जो ये मैंने ऑर्डर किया है वो है माय प्रोटीन के साइट से, और यहाँ पे थोड़ा सा बक्सा फटा हुआ था, बारिश की वजह से मे भी फटा हुआ होगा, लेकिन अंदर से पूरा अच्छा है, सेफ है। तो अभी मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, मतलब कट है, ऑलरेडी कट है, और इसके अंदर आपको मिलेगा इम्पैक्ट वे प्रोटीन, ओ माय प्रोटीन का। तो गाइस इसको पहले निकाल देता हूँ अच्छे तरीके से। ओके, ये निकल गया, और अंदर एज यूजुअल बबल पैकिंग थी, तो इसकी वजह से इसको कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज़ द बिल दैट आई हैव राइट नाउ विथ मी। और बस बाकी तो बॉक्स कंटेंट कुछ भी नहीं है, शायद स्कूप इसके अंदर ही होगा। सब कुछ दिखाऊंगा, पहले आते हैं मेन प्रोटीन के ऊपर। तो गाइस ये देखो इम्पैक्ट वे प्रोटीन, बहुत दिनों से बेसब्री से इसका इंतज़ार था, अभी आ गया यार। बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि आपको पता होगा मैं पहले मसल ब्लेस का ये वाला मसल ब्लेस बिगनर्स प्रोटीन यूज़ करता था, और इसके रिव्यू को, मतलब इसका जो रिव्यू मैंने किया था, इसका रिव्यू जो किया था उसको लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, तो मैंने सोचा कि भाई साहब ये भी जो मैंने नया ऑर्डर किया है तो इसको भी मैं रिव्यू करूं। और आपको जैसे मेरी आदत है कि सिंपल वे से इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, वैसे आपको सिंपल वे से इंफॉर्मेशन इसके भी बारे में दूँ। और ये देखो यहाँ पर लिखा है मैंगो अल्फांजो प्रोडक्ट। अभी बेसिक आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने ऑर्डर किया है। मैंने ऑर्डर किया है माय प्रोटीन के ऑफिशियल साइट में, जहाँ पे मैंने कूपन कोड लगा के इसकी कॉस्ट आई है मुझे 2130 कुछ तो भी ऐसा आया है। तो इसकी प्राइस है 2100 रुपीज़। तो 2100 में ये बहुत थोड़ा महंगा है, लेकिन बहुत क्वालिटी वाला है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत यूट्यूबर यूज़ करते हैं। तो अभी ये तो मुझे अच्छा लगा, और इसके साथ मैंने मतलब लॉकडाउन में पूरा मॉर्निंग में रनिंग प्लस इवनिंग में जिम मारा है, तो मेरा मसल बहुत ही अच्छे प्रकार से गेन हुआ है। तो भाई साहब ये खाली लेने से नहीं होगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको इसके साथ जिम एंड हीवी वर्कआउट थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, अगर थोड़ा तो भी मसल गेन करना है। तो ये बेसिक लेवल का था, इसमें लगभग कितना प्रोटीन था, 30 ग्राम में इसमें 12 ग्राम प्रोटीन था। एंड भाई साहब अभी इसके ऊपर आते हैं, मेन कंटेंट अपना ये है। सो इसका बेसिक आपको कहाँ से ऑर्डर किया, कैसे ऑर्डर किया बता दिया। दिस इज़ मैंगो अल्फांजो फ्लेवर, और ये है यहाँ पे लिखा है माय प्रोटीन की ब्रांडिंग। थोड़ा सा पैकेजिंग ये हो गया, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। ग्रीन सिंबल यहाँ पे है, एंड यहाँ पे देखो ये 1 kg का पैक है। यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दिख रही होगी, ओके। सो यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू आपको दिख रही होगी। सो ये एक ही फ्लेवर ऐसा है कि जिसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 ग्राम सर्विंग में इसमें 21 ग्राम प्रोटीन है। आपको एनर्जी मिलेगी 103 किलो कैलोरीज की। 21 ग्राम इसमें प्रोटीन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम शुगर है। 1 ग्राम शुगर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उतना, थोड़ा बहुत फैट है, लेकिन ठीक है, 1.9 ग्राम फैट है, तो ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा MSM ब्रिटेल नोएडा का
कुछ यहाँ पे लिखा है, देख लो आप। और इस पे एमआरपी है 3308, लेकिन मुझे पड़ा 2100 में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैकेजिंग। अब अच्छे तरीके से पॉज करके पूरा पैकेजिंग के ऊपर क्या क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो। और इसका एक स्पून जो अंदर होगा, स्पून ये है 25 ग्राम का एक स्कूप है, एक स्कूप है जो 25 ग्राम का है। सो इसके अंदर जो स्कूप है वो एक स्कूप 25 ग्राम का है। और उस 25 ग्राम में आपको मिलता है 103 किलो कैलोरीज की एनर्जी, 21 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1 ग्राम शुगर। ऑब्वियसली उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड 1.9 ग्राम, थोड़ा फैट ज़्यादा है लेकिन ठीक है। लेकिन इस फ्लेवर में भाई साहब अनफ्लेवर्ड जितना, मतलब बाकी के जितने भी फ्लेवर्स है, फॉर एग्जांपल ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी है, स्ट्रॉबेरी है, और बहुत सारे अनफ्लेवर्ड भी प्रोटीन है जो जिसमें कोई फ्लेवर ही नहीं है, तो उसमें जितना प्रोटीन है अनफ्लेवर्ड में उतना ही इसमें प्रोटीन है 21 ग्राम। और बनाना फ्लेवर में भी अच्छा खासा प्रोटीन है और इसमें एंड अनफ्लेवर्ड में प्रोटीन है। तो गाइस इसके बाद मैं शायद बनाना या फिर चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर ऑर्डर करूँगा। सो स्टे ट्यून विद मी। इसके भी रिज़ल्ट, जैसे मैंने इसके रिज़ल्ट शेयर किए हैं मसल ब्लेस के, वैसे भी मैं इसके रिज़ल्ट भी आपके साथ सून, जैसे ये पैक ख़त्म होता है, शेयर करता हूँ। एंड इसके बाद ये तो मैंगो अल्फोंसो है, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा फ्लेवर ऑर्डर करूँगा, बहुत ही अच्छा है। बस यहाँ से पैकेजिंग में तो इतना ही है भाई साहब। ये देखो यहाँ पे पैकेजिंग इतना ही, जैसे आपको मैंने दिखाया है, साइड से तो कुछ नहीं। बस यहाँ पे माय प्रोटीन की थोड़ी बहुत एम्बिशन एंड फ्यूल योर एम्बिशंस लिखा है, एंड यहाँ पे भी यही लिखा है, एंड दैट्स इट अबाउट सिंपल पैकेजिंग। लेकिन इसके साथ मुझे एक ये लगा कि ये पैकेट में आता है बॉक्स, ये डब्बे में नहीं आता है ऐसे, मतलब डब्बे में नहीं आता है। लेकिन ठीक है यार, ये ट्रैवलिंग में थोड़ा सा आपको काम आ सकता है, ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा बैग में फिक्स होता है, इसको किस किधर भी लेके जा सकते हैं, डब्बे को थोड़ा मुश्किल है। और लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रोटीन के टाइप्स कितने रहते हैं, क्या रहते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट वीडियो में इस मसल ब्लेस के रिव्यू किया उसमें बताया। तो यहाँ पे आई लिंक में, यहाँ पे आप पहले वो वीडियो देखो फिर बाद में ये वीडियो देखो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो अभी आपको थोड़ा बहुत मैं प्रोटीन के टाइप्स वगैरह इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस वीडियो में तो आप देखो इसका रिव्यू एंड ऑल, बहुत सारा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी इस वीडियो में भी प्रोटीन के टाइप देता हूँ। एक्चुअली प्रोटीन के तीन टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन एंड हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। सो जो वे प्रोटीन रहता है वो थोड़ा फाइनेस्ट नहीं रहता, उसके ऊपर आइसोलेट रहेगा तो फाइनेस्ट पाउडर रहेगा, उससे भी आगे जाओगे तो फिर हाइड्रोलाइज आएगा जो बहुत ही फाइनेस्ट प्रोडक्ट, फाइनेस्ट प्रोटीन है। तो गाइज अभी इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से देख रहे हो आप कटिंग का। सो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से आप इसको पहले कट करना है, ऊपर से कट करना है। सो अंदर ये चिपकाने वाला सिस्टम है जो आप चिपका सकते हैं, पहले इसको कट करेंगे एंड फिर आपको मैं पूरा मिक्सेबिलिटी एंड टेस्ट कैसी वो दिखाता हूँ। पहले इसको कट कर लेते हैं। तो गाइज मैंने इसको खोल दिया एंड देखो आपको दिख रहा होगा पाउडर एकदम थोड़ा चिपचिपा है, चिपक जाता है, स्टिकी है। और ये देखो इसके अंदर ब्लैक कलर का स्पून है विच इज़ 25 ग्राम वाला स्पून है। यहाँ तक आप लोगे पूरा भर के तो 25 ग्राम हो जाएगा। एंड इसको आप 200 ml पानी में मिक्स कर दो तो अच्छा रहेगा, पानी में या हॉट वाटर में, या फिर आप वार्म वाटर में भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं एंड मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। मैं तो भाई इसको मिल्क के साथ ही लूँगा क्योंकि मुझे माय प्रोटीन मिल्क के साथ ही अच्छा लगता है, तो मिल्क के साथ ही इसको लूँगा। तो देखते हैं अभी मिक्सेबिलिटी एंड टेस्ट। मैंगो का स्मेल यहाँ से मुझे आ रहा है, कैमरा के पीछे हो तो भी यहाँ से आ रहा है। तो देखते हैं अभी मिक्सेबिलिटी एंड टेस्ट कैसी है, आपको बताता हूँ। तो चलिए तो एंड दिस इज़ माय मसल बेस का शेकर, तो इसमें दूध ऐड करूँगा विच इज़ अराउंड 200 ml यहाँ तक, एंड उसमें एक स्कूप प्रोटीन 200 ml या 250 ml के आसपास थोड़ा सा ऐड करूँगा, एंड एक स्पून पूरा मैं प्रोटीन ऐड करूँगा। आप बिगनर हो तो थोड़ा सा हाफ स्पून है उससे भी कम लो स्टार्टिंग में,
ज़्यादा मत लो, लेकिन मैंने ऑलरेडी बिगनर कंप्लीट किया है, अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन लेवल के ऊपर बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा स्पून ले सकता हूँ। तो चलो अभी फिर मिक्सेबिलिटी पहले दिखाता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ इसकी टेस्ट, एंड देन आपको बताता हूँ इसकी टेस्ट कैसी है, मैंगो जैसी है कि नहीं है एक्चुअल टेस्ट। तो चलो सो गाइस अभी बारी आती है इसकी मिक्सेबिलिटी एंड टेस्ट कैसा है टेस्ट करने के लिए। सो हियर वी गो, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं लगभग 350 ml, थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क लिया है, 250 ml लेना चाहिए, ये यहाँ पे देख लो आप मार्किंग है 250 ml है, 200 ml का मार्किंग है, लेकिन आपको 250 लेना है, लेकिन मैंने आज 350 के आसपास, ये देखो यहाँ पे 400 है और 350 के आसपास लगभग मिल्क लिया है। अभी इस मिल्क में ऐड करेंगे 1 scoop ऑफ विम्पैक्ट वे प्रोटीन विच इज़ मैंगो फ्लेवर, आपके सामने ही ऐड कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। देखो मैं इतना 1 spoon ले रहा हूँ, अभी इसको मिल्क में ऐड करूँगा गाइस, और मिल्क के साथ मुझे लेना ही बहुत पसंद है, मैं पानी के साथ कम ही लेता हूँ, मुझे पानी के साथ बिल्कुल प्रोटीन पसंद है, मिल्क के साथ बहुत अच्छा लगता है और अच्छा डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पानी में या वार्म वाटर में ज़्यादा फास्ट डाइजेस्ट होता है, मेक अ नोट कि पानी में ज़्यादा फास्ट डाइजेशन होता है एज़ कम्पेयर टू मी मिल्क, बट मुझे पसंद है एक्चुअली मैं मिल्क के साथ, तो मैं यहाँ पे मिल्क के साथ ले रहा हूँ। अभी इसमें डालता हूँ आपके सामने और मिक्सेबिलिटी चेक कर लो आप, तो ज़्यादा दिखेगा नहीं लेकिन ठीक है, और इसको रख देते इसमें, देखो गाइस नीचे जा रहा है और अपना कलर भी छोड़ रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, और अंदर जा रहा है। अभी इसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखो थोड़ा अंदर अंदर जा रहा है, और इसका स्मेल जो मैंगो के जो आइसक्रीम रहते हैं ना उसके जैसा ही है, भी थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है, और लगभग 50% अंदर जा चुका है मिक्सेबिलिटी। सो अभी मैं थोड़ा सा इसको शेक करूँगा एंड आपके सामने ही इसका टेस्ट भी सब बताऊँगा कैसा है कैसा नहीं है। तो इसको थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा शेक करना पड़ेगा ज़्यादा, तो अभी मैं इसको शेक करता हूँ। आपको अगर टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा कम मात्रा में 250 ml तक मिल्क लीजिए और उसके साथ फिर ये 1 scoop डाल दीजिए, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख लो गाइस पूरी तरीके से, और ये जो शेकर है ये मुझे मसल ब्लेस के प्रोटीन बिगनर्स प्रोटीन पाउडर के साथ मिला है, तो ये पहले से ही मेरे पास था इसलिए मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो मेरा बिगनर्स प्रोटीन है और उसका वीडियो देखना है तो ऐप बटन में दिया है जैसे मैंने बताया था, तो वहाँ पे देख लो, और उसके प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छा मैंने बताया है उसमें टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। ओके गाइस मुझे लगता है मैक्सिमम ये मिक्स हो गया है अभी, और इसके ऊपर जो फोम रहता है ना वो भी बहुत कम है, बिगनर्स प्रोटीन का ज़्यादा फोम था, इसका प्रोटीन देखो ना के बराबर है। अभी लेस टेस्ट में टेस्ट करके दिखा दो आपको, गाइस ये एक्चुअली में जैसे पेप्सी रहता है, पेप्सी या मैंगो का कोई आइसक्रीम, तो उस जैसा ही टेस्ट आ रहा है गाइस, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ उसके जैसे ही टेस्ट आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा कम लोगे तो थोड़ा टेस्ट और मीठा हो जाएगा, और थोड़ा शुगर भी है इसमें, लेकिन ठीक है यार, ठीक है अच्छा है, उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जो मीठा मीठा पसंद करते हैं मतलब मीठा, तो उसके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है। जनरली मैं इसको टेस्ट के मामले में, मैं ये मेरा खुद का ओपिनियन है, टेस्ट के मामले तो मैं इसको 5 out of 3 दूंगा, क्योंकि टेस्ट मुझे इसका थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है और मुंह में टेस्ट छूट जाता है, मतलब मीठा मीठा है तो मुंह में ऐसा लगता है कि कुछ दूसरा कुछ चीज़ें खाने के बाद ही वो टेस्ट निकलेगा मुंह में, तो मीठा मीठा थोड़ा सा टेस्ट रह सकता है। यहाँ के मैंने बहुत सारा मिल्क लिया है तो भी मुझे थोड़ा सा शुगरी शुगर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है टेस्ट इतना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं लूँगा बनाना। अभी पूरी तरीके से ये मिक्स हो गया, थोड़ा आपको अगर 1 scoop ले रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा शेक करना पड़ेगा, और फोम तो बिल्कुल ना के बराबर है, बिगनर्स प्रोटीन का जो फोम था बहुत ही ज़्यादा था, मतलब इतना इतना था, इसका तो इतना इतना माइन्यूट है, ना के बराबर है, तो बहुत ही अच्छा है गाइस,
आप ले सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ले लो, अच्छा है। तो और आपको मैं बताने वाला था कि ये मैं पीऊँगा बाद में, आपको बताने वाला था कि प्रोटीन के कितने टाइप होते हैं। तो प्रोटीन के गाइस जनरली तीन ही टाइप होते हैं, विच इज़ वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, वे आइसोलेट प्रोटीन एंड थर्ड वाला है वे हाइड्रोलाइज्ड। वे कॉन्सेंट्रेट ये इंडियन मार्केट में छाया हुआ है, किंग की तरह छाया हुआ है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किंग की तरह छाया हुआ है, और मैक्सिमम वे कॉन्सेंट्रेट ही बड़ी बड़ी कंपनियां हो, छोटी कंपनियां हो, बेचते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता है और इंडियन मार्केट में ज़्यादा फैला हुआ है, और ये भी वे कॉन्सेंट्रेट ही है। इसके बाद आप मतलब इसमें थोड़ा सा फैट और कार्बोहाइड्रेट शुगर थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में होता है। इसके बाद अगर इसको और प्रोसेस कर करके जो बनता है वो वे आइसोलेट है, उसमें भी कम मात्रा की शुगर या फिर लैक्टोज रहती है, और लैक्टोज मतलब जिसमें मिल्क शुगर, वो आइसोलेट में थोड़ा कम रहता है। और हाइड्रोलेज उससे भी फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें आपको मिलेगा बहुत मतलब ना के बराबर लैक्टोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो वो एकदम मार्शल आर्ट वाले जो बंदे हैं या फिर कराटे, मिक्स मार्शल आर्ट, कराटे फाइटर्स, जनरली वो लोग हाइड्रोलाइज यूज़ करते हैं, जिसमें प्योरली प्रोटीन होता है। सो गाइस ये थे प्रोटीन्स के कुछ टाइप। और अगर आपको डाइट का वीडियो चाहिए ना गाइस, नीचे कमेंट करो मैं कैसे डाइट लेता हूँ, क्या करता हूँ, तो अगर उसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो कि क्या करना चाहिए। बस आपको सब कुछ दिखा दिया है, मिक्सेबिलिटी दिखा दिया है, टेस्ट दिखा दिया है, पाउडर दिखा दिया है, अनबॉक्सिंग दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। अभी भी कुछ आपके मन में इसके रिलेटेड कुछ है ना, तो भाई नीचे कमेंट करो, विद इन अ डे 24 आवर्स में मैं रिप्लाई बैक कर देता हूँ चैनल पे। सो ये स्पेशल है मेरे चैनल पे कि मैं विद इन 24 आवर्स रिप्लाई बैक दे ही देता हूँ। तो गाइस नीचे कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छा लगे भाई साहब तो शेयर तो आप कर ही सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस को सपोर्ट करो। जैसे मैंने पिछले मसल बेस वाले वीडियो को लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत जनों ने मुझे डाइट के बारे में पूछा, वर्कआउट के बारे में पूछा, तो मैंने सबको आंसर दे दिया। अगर आपको इसी व्लॉग में नीचे आप कमेंट करते हो कुछ भी रिलेटेड हो हेल्थ के रिलेटेड, तो मैं नीचे आपको बता दूंगा मैं कैसा कर रहा हूँ। और गाइस एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, मसल ब्लेस से मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरे मसल्स भी गेन हुए हैं, नियर टू 4 to 5 pounds के आसपास मसल्स भी गेन हुए हैं। मैं एक दिन वो उसका भी एक व्लॉग स्पेशल बनाऊंगा, लेकिन उसको टाइम है थोड़ा, लेकिन यार टाइम थोड़ा सा नहीं मिलता है ज़्यादा, ऑफिस का वर्क होता है, फिर यूट्यूब के वीडियोस, ये एडिटिंग वीडिटिंग, तो भाई टाइम निकल जाता है। इसके लिए मैं वीडियो ज़्यादा पुट डाउन नहीं कर पाता हूँ, वीकली आते हैं वीडियोस, लेकिन ठीक है गाइस अभी थोड़ा सा और जैसे जैसे अपना चैनल ग्रो होते जाएगा वीडियो की कंसिस्टेंसी और बढ़ती ही जाएगी। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इम्पैक्ट वे प्रोटीन विच इज़ फ्रॉम माय प्रोटीन, एक अच्छा ब्रांड है भाई साहब, आपको तो पता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं पहले मसल बेस कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा मेरे बॉडी को वो प्रिपेयर हो जाए प्रोटीन पाउडर के लिए, उसके बाद ये लूँ। तो गाइस ये आप पहले मसल बेस का वे बिगनर प्रोटीन ले लो, उसके बाद आप ये ले लो। और गाइस वे कॉन्सेंट्रेट की प्राइस जो रहती है वो लो रहती है, और वे आइसोलेट की डबल, और उससे भी महंगा वे हाइड्रोलाइज रहेगा, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और भाई साहब आप घंटी दबा के नहीं जाते हो बाजू की, बेल आइकन ऐसा प्रेस करके जाओ एंड ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट करो, आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन नया वीडियो का। ट्रैवलिंग वाले भी वीडियोस में डाल रहा हूँ, बहुत अच्छी सिनेमेटिक व्लॉग्स डाल रहा हूँ, प्लस अपने हेल्थ के रिलेटेड भी थोड़े बहुत वीडियो आ जाते हैं, और टिक के भी वीडियो थोड़े बहुत आ जाते हैं। मैं जो भी गैजेट वगैरह ये वो लेता हूँ तो उसके भी मैं कहीं बीच बीच में वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको तीनों में से एक भी चीज़ में इंटरेस्ट हो ना भाई साहब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं कर दो यार प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी व्लॉग में, और गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा पीनट बटर, मैं कौन सा पीनट बटर अभी तक यूज़ किया हूँ, मेरे मतलब दो पीनट बटर अभी तक यूज़ किया हो, तीसरा वाला मैंने ऑर्डर किया है, तो तीनों का भी कंपैरिजन मैं एक साथ दूंगा, और पीनट बटर के क्या फ़ायदे रहते हैं, किसके साथ पीनट बटर लेना चाहिए, वो सब कुछ मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। सो गाइस इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके जाना है एंड इस वीडियो को लाइक करके जाना है, सो दैट आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपको बेल बटन प्रेस करके जाना है। सो गाइस बहुत हो गया, बहुत लंबा हो रहा है, टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे कनेक्टेड, एज यूजुअल जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड।